अगर आप एक पेट लवर हैं तब तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जो कि आपके डॉग्स, कैट या फिर इन जैसे पेट्स के लिए काफी बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन आज उससे पहले ही आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप एक पेट लवर हैं। तो वूफ वॉशर, दोस्तों जिनके घर में होते हैं पेट्स उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें नहलाने धुलाने की बड़ी टेंशन होती है, तो ऐसे में काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि पेट्स के लिए ऐसे कोई खास गैजेट बनाए नहीं गए हैं जिनसे कि उन्हें रगड़ रगड़ के आसानी से आप नहला सके। लेकिन दोस्तों अगर आप इस गैजेट को देखेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये खास तौर पर पेट्स के लिए ही बनाया गया है। दरअसल ये एक तरीके की रिंग होती है जिसमें कि छोटे छोटे होल्स रहेंगे, इसे आपको अपने पानी वाले पाइप से अटैच कर देना होता है और जैसे ही इसे आप अपने पेट पर फिराते हैं तो इससे पानी की धार निकलती है जिससे कि आपके पेट अच्छे से नहा सकते हैं। इसमें पीछे एक छोटा सा सोप डिस्पेंसर भी लगा होता है जिसे कि आप इसे अटैच करके इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने शैम्पू वगैरह इसमें भर दिया है तो आपके इस छोटे से फुहारे से उस शैम्पू का भी इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे कि आपको अपने पेट को नहलाने में और भी ज्यादा सुविधा रहेगी। तो इस तरीके का गैजेट बड़ा ही मजेदार रहता है जो कि आपके पेट को एकदम शॉवर वाली फीलिंग कराने वाला है। टिकर एक्टिविटी टॉय, दोस्तों कोई भी पेट हो उन्हें खेलना काफी पसंद होता है और खास तौर पर बॉस जैसी जो चीजें होती हैं वो उन्हें बेहद इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि उनसे वो अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं और उनका वर्कआउट भी हो जाता है और ये कहीं ना कहीं उनकी सेहत के लिए जरूरी भी है। तो यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि अच्छा खासा टाइम पास कराने वाला है आपके पेट का। दोस्तों ये दरअसल एक तरीके का छोटा सा ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कि आपको पेट के खाने का सामान रख देना होता है। जब वो उसके साथ खेलेगा तो कहीं ना कहीं इसके डोर ओपन हो जाएंगे और इससे उनका फीड बाहर आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें लालच देता है मेहनत करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। साथ ही एक अच्छा टाइम पास होता है जिससे कि कहीं ना कहीं वो एंटरटेन तो होंगे ही। तो दोस्तों आप भी चाहें तो इस तरीके के गैजेट को खरीद सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही गैजेट मैं आपको वहां पर भी दिखाता रहूं। डिक्स रिवॉल्व डॉग क्रेट, दोस्तों अगर आप कोई पेट लाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रहने का भी आपको इंतजाम करना पड़ता है, फिर वो चाहे घर में एक छोटी सी ही जगह क्यों ना हो। तो अगर आप भी एक पेट लवर हैं और अपने घर में पेट्स रखते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी क्रेट का जो कि एक तरीके का पोर्टेबल होम होता है आपके घर के पेट्स के लिए। इस क्रेट की खास बात ये होती है कि पूरी तरीके से ओपन होती है, यानी कि यहाँ पर आपके डॉग को बिल्कुल भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही दोस्तों इसमें आप पेट डिवाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें अलग अलग मल्टी डोर्स होते हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं आपको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा। इसके साथ आपको ऑप्शनल एक छोटी सी मैट्रेस भी मिलती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पेट्स को और भी ज्यादा कंफर्ट दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके घर के पेट्स के लिए बेहद कंफर्टेबल तो होने ही वाला है, साथ ही पोर्टेबल भी होता है जिसे कि आप कहीं भी अपने साथ लेकर कैरी भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें खास बनाती है इस क्रेट को जिसकी वजह से ये हो जाती है खास एकदम। तो अगर आप भी चाहें तो इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं जो कि आपके डॉग्स या फिर इस तरीके के पेट्स के लिए बेहद बेहतरीन रहेगा। पिकअप, दोस्तों आपने लोगों से सुना होगा और इंटरनेट पर भी देखा होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं वहां पर अगर आप पेट रखते हैं और उसे टहलाने के लिए लेकर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो भी क्रियाकर्म करते हैं उन्हें आपको अपने हाथों से उठाकर डस्टबिन में डालना होता है। लेकिन अगर ये रूल इंडिया के अंदर आ जाए तब तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का कलेक्शन बैग टाइप का होता है जिसे कि आपको क्लचर जैसे दिखने वाली एक छोटी सी ग्रिप के जरिए अपने डॉग या फिर अपने पेट के जो है बैग पर लगा देना होगा, जिसके बाद जैसे ही बैग फिल हो जाता है तो बस इसे आपको निकालना होगा और आप आसानी से इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ये बेहद आसान सा तरीका रहेगा साफ सफाई रखने का जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पेट भी आसानी से हाइजीन मेंटेन कर पाएगा। पॉसेट बाय क्वर्की, दोस्तों जिनके घर में पेट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक छोटा सा बाउल रखना पड़ता है पानी पीने के लिए उनके, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसे आपको बार बार भरना पड़ता है जो कि एक अलग ही जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि काफी बेहतरीन रहेगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आपको डायरेक्ट टैप से अटैच कर देना होगा और जैसे ही पेट आता है इसके ऊपर पैर रखेगा तो फौरन ये टैप ओपन हो जाता है और पानी ऊपर की तरफ बाहर आएगा जिससे कि आपका पेट आसानी से पानी पी सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी को तो कम करती ही है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है जिसे कि आसानी से कोई भी पेट यूज कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसे अपने घर में इंस्टॉल करना तो काफी बेहतर रहेगी ये आपके पेट्स के लिए। ब्रिलियंट पैड, दोस्तों जब आपके घर में पेट्स होते हैं तो ऐसे में आपको साफ सफाई पर काफी ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को जो कि आपके घर में हाइजीन मेंटेन रखने में काफी हद तक मददगार साबित होगा। ये एक ऐसा पैड होता है जिसके ऊपर आपको एक सैनिटरी नैपकिन को रखना होगा, जिसके बाद आप अपने पेट को ट्रेन कर सकते हैं इसके ऊपर बैठने के लिए और जैसे ही वो इस पे पॉटी करता है तो फौरन जो है इसके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होते ही फौरन इसकी जो नैपकिन होती है वो रोलर के जरिए इसके गार्बेज बॉक्स में चली जाती है जिसे कि आपको मैन्युअली निकालकर बस इसे डस्टबिन में डालना होगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ सफाई मेंटेन रखने के लिए काफी बेहतर रहेगा जिसे कि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पेट को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेजर कैट टॉय,
दोस्तों किसी भी पेट की अगर बात करी जाए तो उसे खेलना काफी पसंद होता है, तो ऐसे में इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के लेजर पावर्ड गैजेट को, जो कि काफी बेहतर रहेगा आपके पेट्स के वर्कआउट के लिए। दोस्तों इसे आपको अपने घर पर किसी एक जगह सेट कर देना होगा, जिसके बाद इसका लेजर चारों तरफ मूव करता है, जिसके बाद आपकी कैट्स या फिर आपके घर में जो पेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और चारों तरफ जो है इसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, यानी कि इस लेजर लाइट को पकड़ने में अच्छी खासी कसरत हो जाती है उनकी। तो इस तरीके का टॉय गैजेट बेहद सिंपल सा होता है, लेकिन आपके पेट का अच्छा खासा वर्कआउट करा देगा आपकी गैर मौजूदगी में भी। तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वायरलेस फेंस फॉर डॉग्स, जिनके घर में पेट होते हैं और ओपन स्पेस होता है उनके घर के आसपास, तो कहीं ना कहीं उन्हें फेंसिंग करनी पड़ती है, जिससे कि पेट्स उस रेंज के बाहर ना चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज काफी ज्यादा हार्मफुल भी हो जाती है और कभी कभी देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप ट्राई कर पाएंगे इस तरीके के गैजेट को, जो कि काफी ज्यादा कमाल का रहेगा, जिससे कि एक तरीके की वायरलेस फेंसिंग आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको छोटे छोटे फ्लैग्स मिलते हैं, जिसको आपको पूरी फील्ड में चारों तरफ लगा देना होगा जहाँ पर आपको फेंसिंग करनी है। साथ ही एक डिवाइस को आप अपने डॉग की कॉलर पर लगा सकते हैं, जिसके बाद जब भी उस रेंज को वो पार करके जाएगा तो फोन आपके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन आएगी, जिससे कि आपको अलर्ट मिल जाता है कि आपका डॉग उस फेंसिंग को पार कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज कहीं ना कहीं उसे पार करने से तो नहीं रोकती है, लेकिन आपको जरूर अलर्ट कर देती है उस चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस वायरलेस फेंसिंग से आपको काफी ज्यादा सुविधा रहेगी, जिससे कि आपके पेट सेफ एंड सिक्योर रहे। तो कमेंट करके बताएगा भाई आपको ये गैजेट कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो का कोई भी गैजेट अगर आपको पसंद आया हो, जिसे कि आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।